जरा जाओ ना अंदर जाके देखना। नहीं जा। मैं क्यों जाऊं, दादी फिर से नाटक करेगी। ओ हो हो हो। अंदर। अरे क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि कल रात आप कहाँ थी? परी कुछ पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कल रात आप कहाँ थी? काहे इतना शोर मचा रहे हो भाई, क्या बात है? श्रीमती जी जरा अपनी लाडली से पूछिए कल रात वो कहाँ थी। तो तुम काहे अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो, बता तो चुकी है बेचारी सहेली के घर में थी। वो सहेली के घर थी? हाँ। फिर तो बहुत अच्छा है, अब तो मिलना ही पड़ेगा इस सहेली से। परी बेटा एक काम कर, उस सहेली के घर ले चल मुझे। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा, बैरी हो? अरे क्या डैडी जी, हमारी इतनी महंगी नेल पॉलिश गिरा दी आपने। महंगी नेल पॉलिश? भाई हमने तो पैसे नहीं दिए तुमको, कहां से आए पैसे इस महंगी नेल पॉलिश के लिए? अरे उसके डैडी जी ने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, उसकी मम्मी जी तो दे सकती हैं। हम अपनी अम्मा के घर से लाए थे, उसमें भी कोनो प्रॉब्लम है का? प्रॉब्लम देखनी है आपको, ये देखिए। ये अखबार पढ़े का बखत? खोलिए खोलिए देखिए। क्या है, सांस लेने दो। अरे आंख खोल कर देखिए, बड़ी सुंदर फोटो छपी है। शर्म नहीं आती आपको? अपनी बेटी की बदनामी कर रहे हैं खुद। हमने ये शिक्षा दी है क्या इन लोगों को, ऐसा करेंगे क्या ये? हम जा रहे हैं। मैं भी आती हूँ। कुकर की आवाज तो आ गई हमको। ओहो, चूहे दौड़ रहे हैं, क्या करें, पर जोर से दौड़ रहे हैं। बन जाएगा दादी। तुम्हारे पेट में नहीं दौड़ रहे का? थोड़े थोड़े। जिया भाभी। हाँ। अब क्या आंख लग गई थी, ये क्या करती है बेटा? है सॉरी मम्मी। हम बना लेंगे, तुम जल्दी से आटा गूंदो, सब्जी काटो। मम्मी जी ऐसे कैसे, मतलब हमने ऐसी रोटी जिंदगी में नहीं देखी बेटा। ये कुकर में खा डाला है, दाल दाल है ना, दाल है, दाल ही है ना बेटा, और मैंने सब्जी भी बना दी। सब्जी कहाँ है? ये बहुत बड़े। अरे कौन जल भून मरा, नाक सड़ा बास का आ रही है, कैसी बास है ये?
दादी हमने जला दिया है, वो खिचड़ी रखी थी आपके लिए, हमने वो पेट खराब है ना इसलिए देखना भूल गए अम्मा जी। भूख से पेट खराब है, ऐसे पेट खराब ना खिचड़ी खाएंगे हम। मैं निकाल दूंगी, ये लो आप उसे निकाल दो। टमाटर का एक मिनट, इससे आटा गूंदो, रोटी बनाओ, हम दाल रख देंगे ठीक है। और तुम ऐसी सब्जी बनाई तू है? हाँ मतलब इतने बड़े बड़े टुकड़े अचार पूरी है बेटा, वो भी का सब्जी है। अरे कुछ क्या, भूख से मर रहे हम, ये बहुरिया ने तो जान सुखा दी हमारी, कब मिलेगा खाना? एक काम कर, अजवाइन का शरबत तो भेज दे। हाँ दे रहे अम्मा जी, अभी अभी ला के दे रहे, अभी जल्दी करो। अरे जाओ अजवाइन का शरबत बना दो जल्दी से, है वो है वो उसको पता है, जल्दी निकाल वहां से बोल। हाँ। ना तुझे नहीं पता है, जाओ ना जाओ। तुम इधर आओ, कांपना बंद करो, शांति से हिम्मत से हम सब संभाल लेंगे, तुम बस चुप रहना। हाँ चुप, कुछ बोलना मत, सिखा रही हो तो वहां खाना कैसे परोसोगी? ठीक है अपनी दाल बना दो, बात सॉरी है बेटा, अब दाल। बस लेके जा और उनको बाहर ही रख, अंदर आने मत देना। शादी कर देख क्या आते हैं का दादी। शरबत, हाँ चलो अभी शरबत से ही सांस चला लेते हैं, देखो दो दो बहुएं हैं घर में फिर भी चलाना पड़ रहा है, भगवान कृपा कर। कैसे हमारे डैडी जी, हम बेशक कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसे डैडी। अरे यार का हो रही है, घर है कि नाटक कंपनी है यार, जब देखो तब ड्रामा ही चलता रहता है। हे भगवान, ये कहां से ये फालतू लेकर आए हो, किसने दिए तुम्हें ये? श्रीमती जी जरा आंखें खोलकर देखिए अपने लाडलों को, सारी हदें पार कर दी हैं। आंख खोल लीजिए और समझ लीजिए कि कौशल्या भाभी के बच्चों के पैर के नक्के बराबर भी नहीं है आपके ये दोनों लाडले। अभी वक्त है संभल जाइए, वरना भविष्य तो काला है ही। अरे इधर, कहां है ये सब? कुछ नहीं है मम्मी, हमने कहा ना हम हमारी सहेली के घर गए थे, हम सच कह रहे हैं, अगर आप बोलो तो अपनी सहेली के घर ले जाएंगे आपको। इस घर में सबको हमसे ही प्रॉब्लम है, डैडी जी को, इस रानी को, हमें नहीं रहना इस घर में। अब इस न्यूज़पेपर का डी एंड कर देते हम। ये कितने 8 लोगों के लिए है खाना? कहाँ? हमारे घर में एक कभी पेट ना भरे, कहाँ रही है तुम्हारे घर में? मतलब हम समझते हैं तुम बिन माँ की बच्ची हो, तो अम्मा नहीं है तुम्हारी, लेकिन आसपास की औरतों से तुम्हारी वो बंटी है उसकी माँ से सबसे कुछ तो सीखा होगा ना, कितनी बड़ी हो गई हो तुम बेटा, वो दादी बुआ है, साहिल की अम्मा है, कच्चों सिखाया नहीं का, मतलब तुम्हारे पापा के लिए भी यही बनाती थी ना इतने साल में, मतलब बेचारे यही खाते थे इतने साल, ऐसा थोड़ी चलता है रिया, ये ऐसी काली रोटी तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी बेटा, ऐसी रोटी तुम ऐसी रोटी रोज ऐसे तुम कैसे कैसे खा कैसे सकते हो इसको बेटा? माँ चलो निकालो इसको सब। अब खड़ी मत रहो, चलो दाल बनाओ, जल्दी से बनाओ, पानी डालो, दाल डालो उसके अंदर, 8 लोगों की कितनी दाल होगी वो देख के माप लो उसका, कितनी दाल होगी 8 लोगों के लिए डालो, चलो दिखाओ, और साथ साथ में सब्जी बनाना भी सीख लो अभी से, हैं? बेटा इतनी दाल तो तुम चलो देखो, एक मुट्ठी, दो,
तीन चार, चार मुट्ठी दाल आठ लोगों के लिए है बेटा। अब गलती वापस नहीं होनी चाहिए, सीख लेना, याद कर लेना। दादी आपका सर दबा देती हूँ, भूख के मारे काफी दुख रहा होगा ना। अरे वाह रे, आज बड़े सेवा के लड्डू फूट रहे, रसोई में क्या गड़बड़ चल रही है? नहीं नहीं दादी, गड़बड़ कहे की क्यों, गड़बड़ की होगी? हाँ क्या होगी, फिर भी चलो देख के आते हैं। का छप्पन भोग बना रही है बहुरिया? रुको दादी, मेरा मतलब आपके पेट में गड़बड़ होगी, बैठ जाओ ना। मैं पेट जवाब दे रहा है, टांगे नहीं। पर दादी यार, खुशिया दादी आ गई है, चल खुशिया। अरे वो खुशिया, पहले ही टमाटर नहीं, चल डाल दो गोभी डाल दो। चलो हे भगवान, अगर पहले टमाटर डालेंगे ना बेटा तो ये पकेगी नहीं सब्जी है। क्या हुआ प्रिया, तू काय कोतवाल बनी खड़ी, बाजू में तो साड़ी वाला हवलदार भी है। ठीक है बना रही वो गोभी की सब्जी, सब्जी तो तूने बना दी थी ना बोलिया। हाँ दादी जी बना दी थी, पर दादी चलिए ना अभी खाना लगा लेते हैं। चलो चलो चलो, खाना बनेगा तब लगेगा ना, रात तक तो बन जाएगा ना। चलते चलते चलते, ओ हमारे सामने से हट जाओ। शिवम को पता था बेटा कि तुमको नहीं आता खाना बनाना, मतलब हमारे यहाँ तो हमको तो मम्मी ही बना दो, मम्मी वो बना दो, नहीं पता था। राजा आजा बिटवा है, हाथ मुंह धोले, आज तो कड़छी तोड़ खाना मिलेगा। तीन घंटे से बहुरिया रसोई में है, अभी तक नहीं निकली। अरे आज तो पहली रसोई है ना उसकी। चलो आओ हाथ मुंह धो लो, तैयार हो जाओ। खाना कब नसीब होगा ये नहीं पता है। ठीक है अम्मा, पहली बार है, थोड़ा लगता है वक्त भाई। वो कौन सा रोज रोज खाना बनाती है यहाँ पर, एक दो बार बना लेगी तो सब सुधर जाएगा। अम्मा हाँ। तो काम अंदर ही बैठ के इंतजार करेगा, पेपर ले क्या, पढ़ के थोड़ी खबर सुना आज। हाँ ये कर लेते हैं इसके लिए अम्मा। अरे अभी बहुत वक्त है, जल्दी काम कर रही हूँ अम्मा। अरे हो जाए तो मन खुश हो जाए। चलो हो गया आटा, इतना वक्त आटा बनाने में बेटा, चलो जल्दी। और ज्यादा आटा तू भी डाल, ये लो आटा बनाओ। थाली लगाओ, टेबल सजा दो, हैं बन जाएगी सब्जी दो मिनट में। तड़का तो लगा सकती हो कि नहीं, आता है कि नहीं? कोई बात नहीं बेटा, वो कहा है ना कि हमको भी कहाँ आता था जब हम शादी करके आए हैं रिया। सुनो हमको भी नहीं आता था, लेकिन चार दिन में ना हम सब सीख गए। आप पूरा ध्यान लगा के, मन लगा के सब फटाफट सीख गए। तुम भी सीखोगी ना, हाँ मन लगा के बेटा।